अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुशपाश होंगे और सेफ होंगे जी। हाँ जी, तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ अगर वो देखते हैं वीडियो को तो लाइक कर दिया करें, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियोज़ किस तरह की लगती हैं। इससे आपकी आपके कमेंट से और आपके लाइक करने से मोटिवेशन होती है और मैं मोटिवेट होती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ। अच्छा जी, सुबह का टाइम था, अम्मी के कुछ कपड़े थे जो कि अम्मी शुगर की मरीज़ हैं तो उनके कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, तो उन्होंने वो मशीन लेके बैठी हुई थी और कुछ कपड़ों की जो मतलब कुछ सिलाइयाँ वलाइयाँ लगानी थी वो लगाई हैं, और सुबह सुबह उन्होंने अपने कपड़े जो थे वो धो के डाल दिए थे, क्योंकि आपको तो पता है कि डेली बारिश होती है, तो इसलिए ना आज थोड़ा साफ़ था मौसम तो उन्होंने मतलब कपड़े धो लिए थे। और जी, मैं लगा रही हूँ ताला। ताला क्यों लग रहा है? हम लोग जा रहे हैं गाँव सिस्टर के घर, उधर भाई इरफान लेके आए हैं बकरे, काफ़ी दूर से लेके आए हैं। सिस्टर की कॉल आई थी कि आ जाएं, आके बकरे देख लें, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर चलते हैं भाई। अच्छा जी, हम लोग पहुंच गए थे घर, और जब हम लोग पहुंचे थे तो बच्चे जो थे वो नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी बैठ के बच्चों के साथ थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा नाश्ता मैंने भी बैठ के कर लिया था। और फिर मैं किचन में आ गई थी, सिस्टर यहाँ पर बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी धनिया पुदीने और अनारदाने की चटनी, जो कि खाने में दोपहर के खाने में जो है आजकल के मौसम में बड़ी अच्छी लगती है। और साथ में बन रहा था मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन। सिस्टर के हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है, और हम लोग जब भी स्पेशली जाती हूँ वैसे पुलाव वगैरह बनवाती हूँ, तो आज जब हम लोग गए तो लंच बन रहा था और हमारी आगे थी चाय। मैंने थोड़ा सा पराठा खाया था, और पराठा खाने के बाद जो है जी हम सब लोग चाय इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमारी चटनी जो थी वो बनके तैयार हो गई थी, बहुत ही टेस्टी वाली चटनी बनी थी। और सालन की आप ज़रा शक्ल देख लें, कितनी ज़बरदस्त शक्ल है। ऐसे आलू बैंगन बनाए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि आलू के साथ किस चीज़ क्या चीज़ डाली हुई है, इतना मज़ेदार सा उसका मसाला रेडी हुआ था। अच्छा जी, आगे हैं जी मेन चीज़ की तरफ, जो कि हम जिसके लिए आए थे बकरे देखने के लिए आए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े प्यारे वाइट वाइट कलर के लंबे लंबे कानों वाले बकरे देख के बड़े अच्छे लग रहे थे। और बड़ी देर बाद मैंने मतलब बकरों के पास आई थी, क्योंकि जब से हम लोग गए हैं बकरे वगैरह रखने का या जानवर रखने का कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, और दरख्त के नीचे बैठे थे, क्या कमाल मज़ा ही आ गया था। अम्मी बैठी हैं, भाई इरफान बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे जमा हो गए थे, सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि बकरों को ना बस जल्दी से हम खिला पिला दें। अच्छा जी, किचन में आ गए हैं, और मैं डाल रही थी सालन, सिस्टर रोटी बना रही थी, तो उसने ये छोटे छोटे काम जो थे मेरे ज़िम्मे लगा दिए थे कि तुम खाना वाना जो है ना वो सेट कर लो, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम वहीं खेतों में जाके ना दरख्त के नीचे बैठ के फुल देसी माहौल वहीं पे खाना खाएंगे। तो फिर मैंने ना सारा सालन वगैरह डाल के तो रख लिया था, अभी बन रही है रोटी, तो साथ साथ में रोटियां सेकते जाएंगे, बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। सिस्टर ने मक्खन भी निकाल के रखा हुआ था,
तो मैं साथ साथ में मक्खन जो है रोटियों के ऊपर लगाती जाऊंगी, और साथ साथ में ही मेरा ब्लॉग बन रहा था, साथ साथ में ही हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर दोनों बातें कर रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर जब हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी बातें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा जी, रोटी हमारी हो गई, बन रही थी साथ साथ में, और मैं अब लगा लूँगी मक्खन। मक्खन जो था फ्रीज़ हुआ था और वो निकल ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसको जो है ना थोड़ी देर के लिए ना, एक मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए मैंने उसको माइक्रोवेव किया, तो उसके बाद फिर मक्खन जो है ना वो अच्छी आसानी से ना लगने लग गया था। तो पहले तो नहीं लग रहा था, मुझे मुश्किल हो रही थी और रोटी जो है ठंडी हो रही थी। जी रेडी हो गया जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लंच, और अब हम लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे सब लोग बैठे हैं दरख्त के नीचे, और इधर अम्मी और भाई जो है खाना शुरू कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा प्योर देसी माहौल सा, पास ही में जानवर हैं, ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दरख्तों के नीचे। हमने वो चारपाई बिछाई हुई थी और बहुत मज़े का खाना भी बहुत मज़े का था। तो अच्छा जी, अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, आप भी आ जाएं अगर किसी ने खाना है तो। मैं भी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो किस तरह की लगी, और हमारे बकरे आपको किस तरह के लगे। तो प्लीज़ एंड पे फिर मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हंसते मुस्कुराते रहें।